माझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। आइए आपको दिखाते हैं एक और महात्मा का, जो आपके जिला पदाधिकारी के द्वारा जो प्रशासन के एक अंग है वो क्या किए हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। हमारे सामने बैठे हुए हैं भाजपा के एनजीओ प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अंकित कुमार तिवारी जी, और ये एक बड़े खुलासा आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। इन्होंने माननीय जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा, आप थोड़ा इसका फोटो ले लीजिए। इसको पढ़ के हम सुना रहे हैं। सेवा में जिला पदाधिकारी महोदय पश्चिमी चंपारण, विषय राजस्व क्षति को बचाने के संबंध में सबने निवेदन यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी नरकटिया के निर्देश पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण राजस्व कर्मचारी हलकाचार अब्दुल समद राजस्व कर्मचारी से कारण पृछा की मांग की गई। संतुष्ट नहीं होने पर प्रभार वापस लेने के लिए अंचलाधिकारी नरकटियागंज के निर्देशित किया गया। उक्त के आलोक में अंचलाधिकारी नरकटियागंज के आदेश ज्ञापांक 21 दिनांक 11/1/2018 के द्वारा प्रभार देने का आदेश दिया गया, किंतु अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज के आदेश के बावजूद अब्दुल समद का कहना है कि वर्तमान में अपर समाहर्ता अंसारी सर जब तक हैं तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे मैं चार दूं या नहीं दूं। ऐसा लगता है कि अंचलाधिकारी नरकटियागंज को भी कमीशन अब्दुल समद देते हैं, जिससे नरकटियागंज के आदेश का पालन अंचलाधिकारी नहीं करा पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन कराने की कृपा कर, जिससे राजस्व की वसूली हो सके। अब आपको दिखाते हैं दूसरा, जो जिला पदाधिकारी की तरफ से दिया गया है, इसका फोटो भी आप ले लीजिए। इसको भी पढ़ के हम सुना रहे हैं आपको। पत्रांक 335, जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया, अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागढ़ बेतिया, दिनांक 22/2/2018, श्री अब्दुल समद राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व प्रभार नहीं लेने के संबंध में। तो देखिए कितनी बड़ी गलती हुई है जिला पदाधिकारी के द्वारा, इससे बड़ी गलती कुछ अब सोचना भी मुश्किल चीज है कि इतनी जिम्मेवार पोस्ट जो जिला के जिला पदाधिकारी, आप खुद सोच सकते हैं, और उनके द्वारा यह फैसला नहीं लेना, आप खुद बताएं कि इतनी बड़ी भूल आखिर कैसे हो गई। यहां दिया जा रहा है अंकित कुमार तिवारी के द्वारा कि इनके द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, आदेश के पालन में क्या पालन नहीं किया जा रहा है, इसको कारण पृच्छक कि नोटिस संतुष्ट नहीं होने पर प्रभार वापस लेने की बात की गई है, और यहाँ जिला पदाधिकारी दे रहे हैं कि प्रभार नहीं लेने के। अब इसके विषय में हम आपको डायरेक्ट अंकित कुमार तिवारी जी से बात करेंगे। तिवारी जी, आपने जो यह पहले लिख के भेजे जिला पदाधिकारी के पास, तो उसमें आपने लिखा कि इनको प्रभार वापस, क्या समस्या है समझ में हमें भी नहीं आ पा रहा है। सर एक्चुअली बात यह है कि इस आवेदन को हम जिला पदाधिकारी महोदय को दिए थे जी। यहाँ पे अब्दुल समद नाम के कर्मचारी महोदय हैं, उनका चार के हैं जी। उनके मतलब जो है कुछ गड़बड़ काम के चलते अनुमंडल पदाधिकारी जी के निर्देश पे जी, अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश दिया अंचलाधिकारी महोदय को कि आप इनसे अपना मतलब प्रभार वापस ले लें, इनका प्रभार वापस दिया जाए, और अंचलाधिकारी महोदय भी आदेश दे चुके हैं, उनका ज्ञापांक 21 है 11/1/2018 को उन्होंने आदेश दिया है कि आप जो है इस प्रभार को दे दें, इनसे प्रभार भी मांगा गया है, लेकिन पता नहीं क्या कारण बनता है ऐसा समझ में नहीं आता हमको कि अंचलाधिकारी महोदय के कहने के बाद भी उनके आदेश का अनुपालन राजस्व कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं है कि या तो ये अंचलाधिकारी महोदय असमर्थ है जी, अंचलाधिकारी महोदय जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करा सकते हैं जी, असमर्थ है नहीं तो इनसे अब्दुल समद जी से उनको कुछ कमीशन वगैरह मिलता है, इसलिए जो है ये आदेश कुछ न तो मजबूरियां रही होगी, उनको व्यवहार नहीं होता, बात सही है ठीक है। तो जो चीज आप अंचलाधिकारी से बोले कि उन्होंने अपना आदेश भी दिया,
अधिकारी महोदय का जितना विवरण था मैंने जिला पदाधिकारी महोदय को भेज दिया था, सर राजस्व की क्षति है और राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार बहुत सारे नियम कानून चलाती है जी। और मैं इस बिहार का, इस भारत देश का नागरिक हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सरकार को राजस्व क्षति से बचाया जाए, है कि नहीं जी। तो इसलिए मैं एक जिम्मेवार नागरिक के हैसियत से अपना एक मतलब विचार जो है, अपना एक आवेदन जो है जिला पदाधिकारी महोदय को दिया था, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय का जो ये आया है जवाब उसमें सर, ये बड़ा ही शोचनीय है सर। हाँ ये तो है, तो इसमें दोनों चीज में कहीं तालमेल नहीं है। जो चीज आप समस्या जिला पदाधिकारी के पास रखे ठीक उसके विपरीत उल्टा, जो सोचने वाली बात है कि एक जिला पदाधिकारी के कार्यालय से या खुद जिला पदाधिकारी के द्वारा ऐसी बड़ी भूल संभव नहीं है, फिर ये कैसे कुछ न कुछ इसका कारण होगा सर। हमें लगता है कि जिला पदाधिकारी महोदय के पास हजारों की संख्या में पत्र जाते होंगे या आवेदन जाते होंगे, बहुत बड़ा पोस्ट है, अपना जिला भी काफी बड़ा है, 28 किलोमीटर का शायद रेंज पड़ता है इसका, क्षेत्रफल पड़ता है सर, और जिला की मांग चल रही है और सर ये काफी बड़ा जिला है सर, तो हो सकता है उनके पास बहुत सारी मतलब जी प्रतियां आती हो, लेटर आता हो, तो उन्होंने पढ़ा हो सकता है कोई दिमाग से भी उतर सकता है, बड़ा आदमी है, बहुत सारा काम का जुटा है, प्रेशर, बड़ा होने का मतलब अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ना ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि बड़ा आदमी है तो बड़ा आदमी के पास, बड़ा पदाधिकारी के पास उतनी ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी भी तो होते हैं, वो तो जिम्मेवार हो सकते हैं, फिर भी उन्होंने एक गलती की है सर। आप इसके आगे क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं सर? इसलिए जो है कहीं ना कहीं से जो उनके मतलब सहायक हैं डीएम साहब के, उनका ही गलती माना जाएगा जी, क्योंकि डीएम साहब हर डीएम साहब के लेटर को टाइप तो नहीं करते हैं जी। हाँ लेटर तो डीएम साहब नहीं टाइप क्या चीज हो सकता है सर कि ये लेटर जो टाइप कर रहा हो, ये जो लेटर सर टाइप कर रहा हो कैंसिल कर देते हैं, इसको जो है डीएम साहब दिए हो कि ऐसा ऐसा आपको जो है करना है, इस लेटर को जो टाइप करने वाला हो बढ़िया से नहीं पढ़ा हो, डीएम साहब के समझाने के बावजूद को समझ नहीं पाया हो और ये गलतियां उसकी हो, ये भी हो सकता है जी जी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने, हो सकता है कि चलिए डीएम साहब से हो गया, आप देखते हैं कि आगे आगे के पदाधिकारी भी ऐसी गलती करते हैं या कुछ कार्रवाई करते हैं जी सर। तो इसके लिए सर मैंने सीएम साहब को एक लेटर लिखा है सर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और इस आशा से लिखा है कि इस पे जो है, इस मामले पे जो है सीएम साहब अब संज्ञान लेंगे जी और इस पे कार्रवाई कराएंगे। एक और आपसे सर छोटा बात मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग साधारण परिवार से आते हैं सर, तो अभी बातचीत हो रहा था, कुछ लोग बोले हैं कि डीएम साहब का लेटर है और इसकी आप कुछ कार्रवाई के लिए डालते हैं तो डीएम साहब आपके ऊपर कुछ भी करा सकते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि वह, मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गलती कर रहे हो और उनके खिलाफ हम तो सब, या उनके गलतियों को एहसास करा दे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करा दे, ऐसा तो संभव नहीं होना चाहिए सर। फिर भी कुछ लोग बोला है, तो उनसे राय लिए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ प्रेस और मीडिया वाले बंधुओं से भी बातचीत हुआ है, तो उसमें से एक दो लोग हैं जो नकार गए हैं इस खबर को छापने से जी, बोला है कि हर खबर नहीं छापा जाता है और डीएम साहब का ये मामला है, तो अगर वो आपको परेशान करना चाहे तो बहुत परेशान कर सकते हैं सर। आप बताइए सर, आवाज उठाता है, आवाज उठाना कहीं भी गलत नहीं है, और अंकित तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने कहा कि आवाज उठाने पर हम पर कार्रवाई हो सकती है, हमको परेशान किया जा सकता है, तो हम डेली वर्ल्ड टीवी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज को बुलंद